फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम फिल्म किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। रबड़ी तो हमने बहुत तरीके की खाई है, लेकिन आज हम बनाएंगे बिल्कुल न्यू फ्लेवर में मैंगो रबड़ी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। फ्लेवर बिल्कुल यूनिक आएगा फ्रेंड्स, इसको जरूर ट्राई करिएगा और बहुत ही जल्दी बनकर भी रेडी हो जाती है। ठंडी ठंडी जब रबड़ी खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो फटाफट इस डिलीशियस रबड़ी की रेसिपी को देख लेते हैं। मैंगो रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें फुल क्रीम मिल्क लेना होगा। 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लेंगे जिससे कि अच्छी रबड़ी बनेगी। इसको एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेते हैं और गैस का फ्लेम ऑन करके इसको रख देंगे पकने के लिए। मिल्क में एक बॉयल आने देंगे। दूध में एक बॉयल आ गया है, इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1/3 तक होने तक इसे हमें पका लेना है। तो गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम करते हुए इसे पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर में हमें इस तरीके से जो मलाई साइड साइड में लग रही है उसको इस तरह से मिक्स करते हुए जाना है बीच में। इसी तरह से बार बार हम दो दो तीन तीन मिनट बाद इस तरीके से कर देंगे जिससे कि हमारी रबड़ी लच्छेदार बनेगी। दूध देखिए पकते पकते गाढ़ा हो गया है और 1/3 बचा हुआ है, क्योंकि हमने 1 लीटर मिल्क लिया था तो उसका 1/3 हो गया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट। तो मैं यहाँ पे काजू बादाम पिस्ता ऐसे स्लाइस में कट कर लिया है और इसको इसमें ऐड कर देंगे। 1 मिनट और पका लेंगे। एक मिनट पकाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए कितनी लच्छेदार बनी हुई है। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून शुगर। तो शुगर आप अपने मिठास के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप, क्योंकि हमें लास्ट में अभी मैंगो मिलाने हैं, मैंगो मीठे होते हैं तो इसलिए ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करेंगे। अभी इसको मिक्स कर देंगे। गर्म होने की वजह से इसी में डिजॉल्व हो जाएगी और इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे 1/2 स्पून। अब रबड़ी को एक बाउल में निकाल लेते हैं जिससे कि ठंडी हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तभी इसमें हमें मैंगो ऐड करना है, तो आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। अब 2 मीडियम साइज के मैंगो लेंगे। मैंगो अभी बहुत अच्छे आ रहे हैं, मीठे मीठे मैंगो, तो इनको हमें काट कर छील लेना है। मैंने यहाँ पर मैंगो को छील कर एक आम की प्यूरी बना ली है। इस तरीके से देखिए 1/2 कप प्यूरी बनकर रेडी हो गई है। 1 स्लाइस मैंगो का मैंने निकाल लिया है, इसको डेकोरेशन के लिए रख लेंगे और छोटे छोटे पीसेस मैंने काट के रेडी किया है, इसको गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक पैन को गैस पर रखेंगे, जो प्यूरी हमने बना कर रखी है मैंगो की उसको ऐड कर देंगे इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून शुगर। इसको मिक्स करेंगे। अगर मैंगो प्यूरी जो आपने बनाई है आपका मैंगो में रेसे हैं तो यहाँ पर छान कर यूज़ करिएगा, क्योंकि रबड़ी में जब रेसे आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये देखिए इस तरीके से हमें पकाना है 5 से 6 मिनट। आप इसको मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सा कलर आ जाएगा इसका। चार से पाँच मिनट हो गया, देखिए ट्रांसपेरेंट सा हो गया, ट्रांसलूसेंट सा हो गया, साइनी साइनी हो गया है। बस इसको गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, इसको साइड में रखते हैं और ठंडा कर लेंगे इसे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तो इसको यूं ही पैन पे रख दीजिएगा, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, फिर इसको ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ें अच्छे से प्रॉपर ठंडी होनी चाहिए। रबड़ी ठंडी हो गई है, इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मैंगो को रेडी किया है। दोनों चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं अच्छे से, ये देखिएगा। इसको ऐड करके हमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, बिल्कुल लच्छेदार रबड़ी हमारी बनकर रेडी हुई है। इसमें ऐड कर देंगे कुछ कटे हुए मैंगो के क्यूब्स। तो इस तरीके से कम या ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं, जैसा भी आपकी इच्छा है। इसको भी एक अच्छे से मिक्स कर देंगे।
एक घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखते हैं। एक घंटे बाद मैं इसे दिखाती हूँ आपको। एक घंटे बाद देखिए ये इस तरीके से हो जाएगी, थोड़ा सा ठीक हो गई है। बस इसको सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए मैंने गार्निशिंग कर ली है। मैंग्रो रबड़ी बनकर तैयार है। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगा बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अपना ध्यान रखें, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।